लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर हमला बोला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश में तीन तलाक जैसे मुद्दे के लिए संविधान बदला था, इसीलिए देश में बीजेपी की सरकार जरूरी है। सबकी जिंदगी बदलना, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, सुख का सूरज दिखे, इस दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। राहुल गांधी अपने आप में झांक के देखे, जब वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, संविधान बदलने का ही निर्णय रहा कि तीन तलाक जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कांग्रेस ने बदल दिया। कांग्रेस का अतीत रहा है जब आपातकाल जैसे खराब समय में उनने जिस प्रकार से जुडिशली के साथ छेड़छाड़ की थी, अतीत का लंबा इतिहास है। लेकिन मैं आज के इस अवसर पर इतने कहना चाहूँगा कि भाजपा सब वर्गों को विकास के लिए लेकर चलना चाहती है और सभी लोगों की बेहतरी के लिए अन्याय अव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार बनाने में यशस्वी प्रधानमंत्री की अत्यंत आवश्यकता है। इसी कारण से ये हम चुनाव में पूरी ताकत के साथ लगे हैं।